हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश और वहां पर हम जाएंगे सबसे पहले तीर्थन वैली और उसके बाद हम मनाली को एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं उसके बाद जहां पे मूड बनेगा वहां जाएंगे। अभी ऐसा कोई डिसाइड नहीं करा मनाली के बाद कहां जाना है। वैसे सोचा यह है कि अटल टनल और उसके बाद सीसू और उसके बाद जिप्सा तक हम लोग जाने की कोशिश करेंगे अगर समय रहा तो। उसके बाद अगर आते वक्त अगर समय रहा तो हम वहां से आते वक्त अपना अमृतसर होते हुए आएंगे और वहां पे आपको स्वर्ण मंदिर और हो सकता है वहां पे जलियांवाला बाग भी अगर समय मिला तो हम लोग जाएंगे, वो दिखाएंगे आपको। और आज का व्लॉग हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से सीधा अपना क्या कहते हैं यहाँ से अपना जीटी करना रोड लेके और सीधा यहाँ से अपना सोनीपत पानीपत उसके बाद अम्बाला और वहां से होते हुए अपना जो नया कीरतपुर टनल बनी है वहां से जो 4 लाइन हाईवे बना उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। और आप लोग बने रहिए, आप लोगों को पूरी डिटेल देंगे कैसा है वहाँ का इस टाइम ट्रैफिक कैसा है और कौन कौन सी टनल वहाँ पे आपको ओपन मिलेंगी कौन कौन सी नहीं मिलेगी। और इसी के साथ आपका जो आज का ब्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों अब हम निकल रहे हैं और आपको दिखाते रहेंगे। अभी हम जीटी करनाल रोड पर निकल ले तो भी आगे हम निकल के आपसे दिखाते रहेंगे और निकल रहे बोल साचे दरबार की जय। दोस्तों इस टाइम 2 बजे हैं, 2 बजे हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं हम लोग सोच रहे हैं कि डायरेक्ट हम तीर्थन नहीं जाएंगे, हम सबसे पहले मंडी में स्टे करेंगे और उसके बाद तीर्थन जाएंगे। तो उसका भी आपको दिखाएंगे अगर मौका मिला मंडी में तो, मंडी भी एक्सप्लोर करके दिखाएंगे आपको मंडी का कैसा जो है घूमने के लिए क्या क्या जगह है। और दोस्तों उसके बाद आपको आगे का ऐसे ही देते रहेंगे हम सारी जो है जानकारी आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं मुरसल और आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग सभी जो ढाबे वाले यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, मशहूर जितने भी है गुलशन यहाँ पे, हवेली यहाँ पे, पहलवान जी का ढाबा यहाँ पे है। और दोस्तों दिल्ली से जो बहुत सारे हमारे जो भाई है वो यहाँ पे अपना लॉन्ग ड्राइव पे आते हैं, ये आगे मन्नत भी है। तो यहाँ पे जो हमारे जो बहुत सारे दिल्ली से दोस्त है वो यहाँ पे लॉन्ग ड्राइव के लिए आते हैं। दोस्तों आपको एक अपडेट और देना चाहता हूँ, ये काफी वैसे पुरानी अपडेट है कि दिल्ली से जो बीच में जो पानी उसमें सोनीपत में जो काम चल रहा था हाईवे का वो कंप्लीट हो गया है, फ्लाईओवर का काम। तो बिल्कुल खुला रास्ता है एकदम, भाई साहब टापम टाप आप आओ और अपने फुल एंजॉय करो यहाँ पे। और उसके बाद भाई साहब बिल्कुल भी कोई ट्रैफिक नहीं है। अभी हम रात को 2 बजे निकले थे घर से और अभी 2:30 बज रहा है, 2:45 हो रहे शायद, 2:45 हो रहे। तो 45 मिनट में हम लोग अपने घर से और यहाँ मुरसल पहुंच गए हैं। तो आगे की अपडेट आपको देते रहेंगे हो सकता है। तो दोस्तों ये हमारा अभी तक दिल्ली से निकलने के बाद ये पहला टोल पड़ा है जो कि बिल्कुल मुरसल क्रॉस करते के साथ ही पड़ा है। और यहाँ पे ये टोल आपको पड़ेगा 110 रुपए का वन साइड का है और दोनों साइड का शायद थोड़ा कम होगा। तो अभी मैंने वन साइड का देखा है यहाँ पे कितना है। तो अभी तक जो अभी तक हम दिल्ली से निकले हैं मुरसल पे पहला टोल आया, इसके बाद जो टोल आएंगे उनकी भी आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक बने रहे वीडियो में और आगे का भी आपका सफर ऐसे सुहाना हम लोग बनाए रखेंगे और अपना भी बनाए रखेंगे। तो गाइज अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, जगह का नाम मेरे को यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा कौन सी जगह है। और यहाँ पे दूसरा टोल पड़ा है और जहाँ पे मैंने लिस्ट देखी है यहाँ पे 40 रुपीज का जो हमारा इसका टोल है। तो सेकंड टोल है हमारे जो दिल्ली से हमारे मनाली की तरफ जो रूट जाता है उसमें सेकंड टोल है जो कि 40 रुपीज का है। पहला हमारा जो पड़ा था वो 110 रुपए का था। और इसके बाद जो भी टोल पड़ेगा और जैसे भी प्रोग्राम रहेगा आपको बताते रहेंगे, आगे अपडेट देते रहेंगे। लाइन में लग गए हैं और ये देख रहे हो यहाँ पे ट्रक कैसे दुनिया भर के ट्रक यहाँ पे भरे पड़े देखो। और रात को इन ट्रकों ने इतना आतंक मचा रखा है ये बिल्कुल भी साइड नहीं देते, इतना रास्ता देखो हर जगह ट्रक ही ट्रक है। गाइस अब हम पहुंच गए हैं थर्ड टोल पर और यहाँ पर जो शायद लगभग 125 रुपए का टोल जो हमारा लगेगा कार का, बाकी अभी आपको रेट लिस्ट दिखा अगर दिखेगी तो आपको कंफर्म बता दें कितना यहाँ पे टैक्स लगा है। और ये इस रूट का 3rd टोल टैक्स है और 125 रुपये जो है यहाँ पे टोल टैक्स लगेगा हम लोगों का। और टोल पे इस टाइम ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि इस टाइम लगभग 4 बज रहे हैं, 4:45 के आसपास का टाइम है। और ये हम लोग पानीपत से थोड़ा सा आगे निकले हैं और जब ये टोल है तो दोस्तों इसके भी आगे आपको दिखाते रहेंगे
कि अभी और कितने टोल आने आप बाकी है और आपका कितने कितने रुपए का टोल यहाँ पे होगा, तो उसका भी देखेंगे। तो चलते हैं आगे और आपको बताते हैं इसके आगे और क्या क्या बाकी है। तो और आगे टोल आ रहा है, बताते हैं कितना टोल पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन देने के चक्कर में और वीडियो के चक्कर में जो बोर्ड आया था वहाँ पे मैं पढ़ नहीं पाया। बाकी पूछ के बताते टोल वाले से कितना टोल लगता है। तो दोस्तों ही पता करके बताते हैं आपको यहाँ पर टोल कितने का है। ये अभी देखें यहाँ पे लाइन लगी हुई है और देखते हैं कितनी देर में हमारा नंबर आता है। और अभी टाइम हुआ है लगभग 6:15 का टाइम हुआ है। 3 बजे हम लोग घर से निकले थे और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अम्बाला। 85 रुपए का यहाँ पे आप लोगों का जो है टोल कटता है कार का। तो यहाँ पे 85 रुपए दोस्तों आप देख लेना अपना, यहाँ पे फास्ट टैग हो गया है और निकल पड़े हम आगे कीरतपुर के लिए। और जैसा भी आगे के अपडेट होगी आपको अपडेट देते रहेंगे, वीडियो में बने रहेंगे। तो दोस्तों अब हम चंडीगढ़ वाला जो फ्लाईओवर था उस पर नहीं चढ़े, हम लेफ्ट हो गए हैं और उसके बाद फ्लाईओवर के नीचे राइट ले लिया है। अब हम कीरतपुर वाले हाईवे पे हैं। यहाँ से करीब हमको आधा 1.5 घंटा या 2 घंटे के आसपास लगा कीरतपुर जो टनल आने में। उसके बाद देखते भी टनल वन जो है वो बंद पड़ी थी काफी दिनों से, मेंटेनेंस का कार्य उसमें चल रहा था क्योंकि बारिश की वजह से शायद उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी। तो अभी उसकी लास्ट अभी तो लास्ट जो अपडेट थी हमारे पास वो ये थी कि वो जो टनल वन है वो बंद पड़ी है, उसको बाईपास करके आगे जाके आपको 4 लेन से आपको जोड़ा जा रहा था आपका जो है स्वरा घाट से लिया के आपको जोड़ा जा रहा था वहां पर। और देखते हैं आपको बताते हैं कि आगे जाके टनल स्टार्ट हुई है या नहीं हुई और मिलते हैं अभी आगे के अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहे वीडियो में हमारे साथ। तो दोस्तों अभी हम रास्ते में हाईवे में ही है जो हमने कट लिया था राइट साइड में कीरतपुर के लिए। और दोस्तों है तो सिंगल लाइन हाईवे, आप देख सकते हैं कि कोई डिवाइडर नहीं है, गाड़ियां दोनों एक ही रोड पर चल रही है अपनी अपनी साइड में, मगर बहुत अच्छा मेंटेन है, काफी खुला है और आप देख सकते हैं काफी लोग जा रहे हैं। ये पंजाब से गाड़ी जा रही है हमारे आगे वाली, तो काफी अच्छा हाईवे एकदम स्मूथ गाड़ी यहाँ पे चल रही है। आप आराम से 80-90 की स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, पर गाड़ी आप उतनी स्पीड में रखिए जितने पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो मजा आएगा यहाँ पे आपको ड्राइव करने में। दोनों तरफ ग्रीनरी है और बहुत अच्छा, मतलब एकदम दोनों साइड ग्रीनरी के बीच में ऐसे गाड़ी चलाना बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आगे भी देखे और अच्छे अच्छे नज़ारे आएंगे क्योंकि हिमाचल जाना जाता है अपनी खूबसूरती के लिए। और यहाँ पे देखते हैं आगे और कुछ आपको मिलता दिखाने के लिए जरूर दिखाएंगे। भाई फाइनली अभी रास्ते में हम लोग रुके हैं, थोड़ा चाय वाय पियेंगे, भी काफ़ी देर हो गई दिल्ली से निकले हुए। अम्बाला भी क्रॉस हो गया, चंडीगढ़ भी लगभग पहुँचने वाले हैं और अपना कीरतपुर जो टनल है वहाँ तक पहुँचने से पहले हम लोग यहाँ पे रुके चाय पीने के लिए। यहाँ पे अच्छा सा दिख गया थोड़ा ढाबा। इस रास्ते में भाई साहब अगर आपको पीना तो अम्बाला में आप रोक के नाश्ता वास्ता जो करना कर लेना, इस साइड जो इस रूट पे आके ज़्यादा आप उम्मीद मत करना कि आपको बहुत अच्छा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सबकी हालत देखो कैसे भी पड़े थे वो पीछे को करी, अरे एक देखो बच्चा हो रहा और ये तो एक तो भी उठा ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से इसको उठा रहे हैं, वो देखो उसकी निकल कैसे पड़ी है। हेलो भाई बोलो, गुड मॉर्निंग। इनका बेचारे बच्चों का ना मुंह उतरा हुआ है पड़े पड़े गाड़ी में। भाई बहुत लंबा है, मनाली मनाली आओ तो अपनी कमर उमर टाइट करके आना। और चलो चलते हैं चाय वाय पीते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या अपडेट है और चलते हैं उसके बाद आगे और दिखाते हैं आगे चाय वाय कैसी है, क्या रेट पे मिलती है, पूछते हैं भैया से, फिर आपको बताएंगे टेबल पे चल के क्या यहाँ का सीन है। पूरा माहौल बना हुआ है यहाँ पे, देखे बाइकर्स आए हुए हैं। चलते हैं आगे करते हैं बात क्या रेट अभी है चाय के साथ ही। ये दोस्तों अब हमारा ये 5वां टोल है, थोड़ी देर में आपको बताते हैं कितना टोल कटेगा। और दोस्तों आज मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, हम लोग निकले घर से और मौसम जो है बड़ा ही गजब का हो रहा है और अच्छा खुला हाईवे और ऐसा मौसम हो तो ड्राइव करने का जो मज़ा है वो अपने आप ही बढ़ जाता है। अभी आपको दिखाते हैं हमारा जो है टोल कितना कटेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो टोल है वो आपका 55 रुपीज़ का है, 55 रुपये का। और
शायद इसके बाद अभी वो जो टोल है वो ऑपरेशनल नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इतना बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे हाईवे बना दिया गया है पहले के मुकाबले, और ड्राइव करने में इतना मज़ा है दोस्तों। अगर आप सीएनजी गाड़ी से आते हैं तो आपको पंजाब में कहीं भी सीएनजी की कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे आगे हिमाचल में कहते हैं क्या, अभी मैंने पूछा तो बता रहे मंडी से पहले भी एक आपको सीएनजी पंप पड़ जाएगा। तो दोस्तों पहले के मुकाबले काफ़ी सस्ता हो गया है ना मनाली, क्योंकि सीएनजी में आप सबको पता है कि काफ़ी सस्ता पड़ जाता है पेट्रोल या डीजल के मुकाबले। और आप सामने रास्ता देख सकते हैं, मतलब लग ही नहीं रहा कि हम लोग इंडिया में गाड़ी चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं हम यूरोपियन कंट्री में गाड़ी चला रहे हैं। और एक मूवी देखी थी मैंने, कौन सी मूवी थी, इसमें वहाँ लग रहा था तुझे देखा तो जाना सुना DDLJ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें एक रास्ता था जिसमें वो काजोल लिफ्ट मांग रही होती है, उसको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, वो शाहरुख खान आके उसको बचाता सैनोरिटा बोल के। मुझे कुछ कुछ उस रोड वाली फीलिंग आ रही है, अब बस वो वाली बात अलग है कि मेरी सैनोरिटा मेरे साथ बैठी हुई है पहले से ही, लिफ्ट नहीं मांग रही है। और बहुत ही खूबसूरत हाईवे बनाया दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा जो भी ये प्रोजेक्ट था, कई सालों से चल रहा था, कई सालों से पेंडिंग पड़ा था, अब ये कम्प्लीट हो गया है। और दोस्तों कंप्लीट हुआ है तो कई जगह अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी है, पर मतलब 70% के आसपास ये ऑपरेशनल है। आप देख सकते हैं इतना खुला, मतलब 4 लेन हाईवे यहाँ पे बनाया हुआ और बहुत ही खूबसूरत और एकदम वेल मेंटेन आपको देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा। हम कहेंगे कि जो भी केंद्र सरकार ने काम कराया बहुत ही सराहनीय काम कराया, सल्यूट है मोदी सरकार को और नितिन गडकरी जी को जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। और ये देखिए सामने दोस्तों, मतलब ड्राइव करने का मतलब मजा इतना आ रहा है ना यहाँ पे कि बस पूछो मत, पूछ लो, चलो मैं बुरा नहीं मानूंगा पर देखिए आपको दिखाई देगा तो सामने एक ब्रिज आ रहा है, और मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि जो मनाली दिल्ली मनाली हाईवे ये मतलब इतना अच्छा बन जाएगा कभी किसी टाइम पे, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये देखिए कितना बढ़िया ब्रिज बना हुआ है और मतलब मजा ही आ रहा है यहाँ तो गाड़ी चलाने में, मन कर रहा है थोड़ी देर खड़े होकर देखें। शायद ये नदी के ऊपर बना हुआ है, नहर है दोस्तों बहुत बड़ी, बहुत मजा आगे देखने में, हमने तो देख ली साइड में खड़े होके और बहुत ही मतलब अमेजिंग व्यू था यहाँ पे से, थोड़ा सा हमने झांक के देख लिया खिड़की में से। और आप देख सकते हैं हाईवे, मतलब गाड़ी चलाने में मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि दोस्तों बस ये मान लो कि जाना कहाँ है, कहाँ पहुँचना है उसकी कोई चिंता नहीं है, अपनी ड्राइव को एंजॉय कर रहे हैं, जो व्यूज हैं उनको एंजॉय कर रहे हैं। और साथ में केंद्रीय सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने इतना अच्छा काम करा है अभी तक, जितने भी उन्होंने हाईवे और जितने भी अपने एक्सप्रेसवेज निकाले हैं बहुत बढ़िया काम हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ काम हो रहा है समय से पहले। तो ये जो हाईवे है कीर्तपुर वाला जो टनल है, इससे पहले आपका जो हाईवे पे आप चढ़ते हो से पहले कट आता है जो कि जाता है जलंधर की तरफ। अगर आप गूगल मैप लोकेशन लगा के आते हैं तो आपको जलंधर की तरफ दिखाएगा रास्ता, तो दोस्तों वहां पे मत मुड़ जाना क्योंकि ये जो है आपको यहाँ से जो दिखाएगा ये आपको जलंधर वाला पुराना रास्ता दिखाएगा, क्योंकि गूगल मैप में भी ये लोकेशन अपडेट नहीं हुई है, अभी ये नहीं पता अभी तक क्यों अपडेट नहीं हुई और कब तक अपडेट होगी। तो अगर आप वहां से सीधा निकलेंगे तो उसके बाद ही आपको ये रास्ता दिखाएगा, और अगर आपको ना पता हो कहीं पे कंफ्यूजन हो तो आप रुक के पूछ लीजिए, मैंने भी रुक के पूछा क्योंकि गूगल मैप ने मुझे लेफ्ट साइड को मोड़ दिया था, मैंने वहां पे किसी से पूछा तो उसने बताया कि सर ये रास्ता हम लोग जलंधर चला जाएगा, पुराना रास्ता है जिसको आपका गूगल मैप वही दिखाता है, अगर आपको करना है तो आप सीधे चले जाइए कीर्तपुर वाली टनल से, आप वहां से सीधा पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों इस टाइम हम चढ़ चुके हैं कीरतपुर के लिए जो फ्लाईओवर है उस पर चढ़ चुके हैं, और आप देख सकते हैं क्या बढ़िया फ्लाईओवर बनाया हुआ है, 2 लाइन फ्लाईओवर है, यहाँ पे आराम से गाड़ी चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सामने देखिए ब्रिज बना हुआ है, और इस तरह के ब्रिज यहाँ पे दोस्तों काफी बने हुए हैं, और जो इनकी मतलब खूबसूरती दूर से देख के मतलब इतना अच्छा लगता है, मन करता है यहाँ पे रुक के थोड़ी बहुत फोटोग्राफी करी जाए या फिर यहाँ की कुछ वीडियोज बनाई जाए, कुछ शॉर्ट आपकी कुछ रील्स बनाई जाए इंस्टाग्राम पे या उस पर डालने के लिए। साइड में नहर जा रही है और बहुत ही मतलब सुंदर नजारा है यहाँ से। और दोस्तों अब जो मजा आने वाला है ड्राइव का वो असली मजा है, जिसके लिए लोग बाग मनाली शिमला या फिर हिमाचल या उत्तराखंड कह लीजिए या फिर कश्मीर कह लीजिए लोग जाते हैं। तो दोस्तों जब आप अपनी जर्नी को एंजॉय करना सीख जाएंगे ना तब आपको मजा आएगा किसी भी स्टेशन पर जाने में। अगर आप सोचेंगे मैं मनाली में जाके एंजॉय करूंगा
मैं शिमला में जाके एंजॉय करूंगा या मैं कश्मीर में जाके एंजॉय करूंगा, तो दोस्तों आपके लिए वहां जाना उतना आपके लिए यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि आपको एक दो बार में ही आप बोर हो जाएंगे कि यार और क्या देखें, वहां पे सब चीज़ें देख लिए। मगर जिस दिन आपने अगर जैसे आपका जर्नी एंजॉय करना सीख जाएंगे ना, तो आपको ये सब चीज़ें हर बार, जितनी बार आप जर्नी करोगे हर बार नहीं लगेगी, क्योंकि पहाड़ों में जो ड्राइव का जो मज़ा है ना, वो इस नेचर का ही है, इस खूबसूरत रास्तों का ही है, इस खूबसूरत जर्नी का ही है। तो दोस्तों हम भी खूबसूरत सी जर्नी का फुल इंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं मस्त एकदम मज़े के साथ, और आप भी लीजिए। सामने देखिए आपका माउंटेन व्यू स्टार्ट हो गया है, और हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट CNG पंप है तो CNG भरवा लें। गाइस हम लोगों ने अब CNG डलवा ली है, क्योंकि ये यहाँ पे लास्ट CNG पंप है, इसके बाद हिमाचल में कहीं भी हम लोगों को CNG नहीं मिलेगी। तो आप भी जो कीर्तपुर वाला जो टोल है उससे आने से पहले CNG पंप पे अगर कोई CNG गाड़ी लेके आता तो भाई अपनी अपनी CNG भरवा लो, क्योंकि अभी तक हम लोग CNG पे चला रहे गाड़ी और हिल एरिया स्टार्ट हो चुका है। और अभी इसके क्या हालात है देखे, सामने आपको दिख रहा होगा टोल आ गया है, और अच्छा काफ़ी मतलब चौड़ा यहाँ पे बनाया हुआ है टोल के लिए भी, और अभी ऑपरेशनल नहीं है, फ्री है जब तक, क्योंकि अभी यहाँ पे पूरा का पूरा जो ये हाईवे अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है, इसलिए अभी इसको अगर ऑपरेशनल नहीं हुआ तो टैक्स किस चीज़ का लेंगे, इसलिए अभी तक यहाँ पे कोई भी अभी तक यहाँ पे टोल नहीं लिया जा रहा है। तो फ्री के मजे लो भाई, जितना बन गया उतने के तो लो मजे, वो भी फ्री के। सामने अब हिमाचल का आपको मैं दिखाता हूँ एंट्री गेट, यहाँ पे जो हिमाचल में एंट्री लगती है वो हमको यहाँ पे देनी पड़ेगी हिमाचल की एंट्री फीस, जो कि मेरे ख्याल से जो हमारी कार है इसकी 100 रुपये एंट्री लगेगी। बाकी देखते हैं अभी आगे कितनी एंट्री लेते हैं, वीडियो ऑन रहेगी, आप लोगों को भी देखने को मिलेगा क्या ले रहे क्या नहीं ले रहे। अब दोस्तों हम दिखाएंगे यहाँ पे कितना लग रहा टैक्स, हमारी बारी आ गई है, और ये भाई ने हाथ दिया है। और दोस्तों मैं तो सोच रहा था 100 लगेगा, पर 50 रुपये बच गए, ओनली 50 रुपये यहाँ पे जो है हिमाचल में टैक्स लगा है हमारी जो गाड़ी है इसका। हमारे पास कार है सडान है, हो सकता है SUV का कुछ और लेते हो ये लोग, पर मेरे पास सडान है तो इसका 50 रुपये इन्होंने टैक्स लिया है। और ये देख सकते हैं कितना सुंदर, मतलब यहाँ से पहाड़ काट के कितना अच्छा सुंदर रास्ता बनाया हुआ है, और सामने लिखा हुआ है सुंदर नगर बोर्ड के ऊपर भी, मतलब जो सब कुछ सुंदर सुंदर हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही आप देख सकते हैं, आपको दिख रहे होंगे तो रोड के साथ साथ ये देखो ये आपको फ्लावर्स दिख रहे होंगे बिल्कुल येलो कलर के, और इतने अच्छे फ्लावर्स हैं। यहाँ पे कुछ कैफेज दिख रहे हैं, अगर आप चाहे तो यहाँ पे कुछ खाना या कुछ और भी ले सकते हैं चाहे तो, पर यहाँ का कुछ पता नहीं है कैसा फूड मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा। पर टोल पोस्ट करते हैं सबसे पहले, देखिए हिमाचल की बहुत अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ बनाई हुई है, और ये पीने वाले भाइयों के लिए ठेका लिखा देख लिया होगा पीने वाले भाइयों की नज़र बड़ी तेज़ होती है, उनको ठेका बड़ी जल्दी दिखाई देता है। बाकी देखते हैं अभी क्या है क्या नहीं, मेंटेनेंस का कार्य इसमें चल रहा था। देखो दोस्तों टनल बंद है, और यहाँ से पत्थर हटाया हुआ, अगर चाहे तो यहाँ से जा सकते हैं मगर हम नहीं जाएंगे। साइड में देखिए रास्ता जा रहा है, ये फर्स्ट टनल जो बंद है, यहाँ से हमको स्वरा घाट होके जाना पड़ेगा। और दोस्तों स्वरा घाट पे जाने के बाद आपको दोबारा 4 लाइन में जुड़ने के काफ़ी रास्ते आएंगे 4 लाइन पे आने के, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और मैं आपको सबसे शॉर्ट वाला दिखाऊंगा, जिससे कि आप बहुत जल्दी आप बिगर किसी भीड़ भाड़ के आप जल्दी से उसमें 4 लाइन रोड में दोबारा जुड़ जाओगे। अभी जो है तीरथपुर टनल नंबर 1 स्टार्ट नहीं हुई है, तो ये पुराना वाला रास्ता स्वरा घाट का, वहाँ से होके जा रहे। देखिए ये रोड पहले काफ़ी ख़राब होता था, पर अब काफ़ी अच्छा मेंटेन कर दिया है, तो काम तो हो रहा है दोस्तों। अगर कोई कहता है कि भाई काम नहीं हो रहा है, तो भाई मनाली रोड पे आके देखो, आपको पता चल जाएगा आज से 4-5 साल पहले और अब में कितना फ़र्क है। और ये पता नहीं भाई ट्रक कितने आराम आराम से क्यों चल रहा है।
और दोस्तों लोग मोड पे यहाँ के जो लोकल ड्राइवर है वो हॉर्न नहीं देते, मगर आप लोग हॉर्न दें जरूर, क्योंकि यहाँ पर जो मोड है यहाँ से जमत की गाड़ी आ जाती है। और ये देखिए भाई को ज़्यादा जल्दी है, लोकल ड्राइवर है ये, ऐसे बंदे जो है खुद को मरते दूसरों को भी मरवाते हैं। ये देखिए पीछे भाई आ रहा है, कंप्यूटर पर वाला, इसको ज़्यादा जल्दी है भाई तू निकल, हम तो भाई पीछे आ जाएंगे आराम से। दोस्तों अभी हम रुके हैं थोड़े से ब्रेक के लिए, और इन खूबसूरत नज़ारों के साथ पहाड़ों पे जो चाय पीने का मज़ा ये लगे आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पे ये छोटा सा एक ढाबा टाइप है, आसू टूरिस्ट ढाबा, यहाँ पे हम लोग रुके हैं, और इसका पीछे का व्यू काफ़ी अच्छा है और इसके सामने का व्यू काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे थोड़ी देर रुक के चिल करेंगे, क्योंकि हम लोग तो इनको इस जर्नी को इन्जॉय करने आए हैं, इन पहाड़ों को इन्जॉय करने आए हैं, और वही हम लोग करेंगे और आपको भी इन्जॉय कराते रहेंगे। देखिए पीछे ट्रक में सीधे निकला है, पीछे के नज़ारे देखिए दोस्तों, अगर आपको क्लियर दिखाई दे रहे होंगे तो एकदम मतलब ज़बरदस्त व्यू है, और ट्रक बहुत फास्ट से निकल रहे हैं यहाँ से। भाई निकल लो, ये देखो रास्ता कितना अच्छा है, बिल्कुल हिल एरिया है, और ये पीछे बहुत ही अच्छा पेड़ है। और भाई यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, ये हमारी टेबल है, पीछे आना खाट पे बैठी है, और हम लोगों ने अपने लिए आलू पराठा और चाय ऑर्डर करी है। आलू पराठा यहाँ पे मेरे ख्याल से 40-50 रुपए का, 50 रुपए का आलू पराठा है, और 20 रुपए की चाय है, बहुत ही रिजनेबल है, यूजली इतना ही होता है। ये टेबल है, और सामने इस नज़ारे के साथ हम लोग अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने जा रहे हैं। चल रहे ना रोड़ी, चल रहे ना रोड़ी, थैंक यू। नहीं मेरे को यूँ कह रहा जा रहे हैं, हम भी कह रहे चल रहे। तो भाई ये हमने कट ले लिया जिस कट की मैं बात कर रहा था, अब ये वाला कट है जो ये 4 लेन पे जल्दी कनेक्ट कर देगा हमको, और यहाँ से कोई ज़्यादा देर भी हमें जाना नहीं पड़ेगा, नहीं तो अगर हम सीधा जाते तो वहाँ पे हमें ट्रैफिक भी मिलता और बहुत लंबा चलना पड़ता। और ये थोड़ा सा आप एक बीच में बस स्टैंड टाइप में कुछ आया था वहाँ से थोड़ी सी आगे कट है। और भाई बहुत ही मतलब एकदम शांत वातावरण है, कोई गाड़ी नहीं है यहाँ पे, कोई कुछ नहीं है, आप आराम से ड्राइव इंजॉय करो, आराम से चलो, क्योंकि सामने से गाड़ी आती है तो रोड थोड़ा नैरो है, उनको भी थोड़ा सा रास्ता देना पड़ता है। स्कूल देख रहे हैं सामने, बिल्कुल इसके साथ से जो कट जा रहा है, आपको राइट नहीं जाना, आपको लेफ्ट जाना है। ये जो बिल्कुल यहाँ से देखें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो कट जा रहा है, ये स्कूल है सामने, यहाँ से जो कट जा रहा है ना, इससे आपको लेना है, यहाँ से आप 4 लेन में मिल जाओगे। और अभी शायद 4 लेन यहाँ से बंद कर दिया है, अभी हमारे पीछे जो लोकल से उन्होंने बताया, फिर भी हम जाके देख रहे हैं कि बंद है या चालू है। तो काफ़ी शार्प कट है यहाँ पर, ये भी ध्यान में रखें। देखते हैं आगे खुला है या नहीं खुला है, पता चल जाएगा अभी। और हम तो भगवान से प्रार्थना ही करेंगे खुला हो, क्योंकि वापस इतना उल्टा जाना पड़ेगा, और सारा हम अभी तो उतर रहे थे, और जब वापस जाएंगे तो हमें चढ़ना पड़ेगा, तो उसमें फ्यूल भी काफ़ी खर्च होगा और टाइम भी काफ़ी खर्च होगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। यहाँ से बस थोड़ी दूर से आपको 4 लेन का ठीक जाएगा रास्ता, अगर बंद नहीं करा होगा तो। दोस्तों ये हम पहुंच गए 4 लेन पे, जैसा कि हमने आपको बताया था रास्ता खुला मिला, पर दोस्तों मैं इस रास्ते की एक बार बता दूं आपको, काफ़ी नैरो रोड है, और जो पहली बार आते हैं उनको थोड़ा डर भी लगेगा चलाते हुए, तो भाई अपना सोच समझ के चलाएं।
बाकी ये है कि बहुत शॉर्टकट पड़ा हम लोगों को, मगर हवा टाइट हो गई यहाँ पे गाड़ी चलाने में, क्योंकि बहुत ही नैरो जो रोड है ये, और थोड़ा सा यहाँ के लोकल्स कह रहे थे कि रास्ता बंद हो गया है, पर शुक्र है भगवान के हमें रास्ता खुला मिला है जी। तो हम लोग पहुँच गए हैं और फोर लाइन पे मिल गए हैं। देखिए अब आगे आपको और टनल्स आएंगी, तो आपको और टनल्स दिखाते हैं, तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ। तो गाइज यहाँ का जो सबसे डेंजर जोन है ना वो ये वाला है, ये बिल्कुल पहाड़ जो बीच में से काट के बनाया है। आपने दशरथ माझी वाली मूवी देखी होगी, माझी, तो उसी की तरह यहाँ से बिल्कुल ही पूरा रोड था और इसको काट के बनाया गया है। और यहाँ के जो पहाड़ है ना, ये थोड़ी सी भी बारिश होने पे ये यहाँ पे स्लाइड हो जाते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे डस्ट कितनी है। और ये हाल ही में आस पास लगता लैंड स्लाइडिंग हुई है या रास्ता चौड़ा करा जा रहा है, और यहाँ पे देखिए दीवार भी बनाई जा रही है साथ में, जो जिससे कि दिक्कत ना हो लैंड स्लाइडिंग की। ये जो सबसे डेंजर जोन था इस जो रूट का सबसे डेंजर पैच था यही था, यहाँ पे ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग होती है बारिश होने पर। बाकी कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा रूट बन चुका है, बड़ी मज़ेदार बात है। आराम से आओ, आराम से घूमो, मनाली तक आप कब पहुँच जाओगे आपको पता नहीं चलेगा, नज़ारों के आनंद लेते रहो। और आपको भी टनल आते हैं तो टनल भी दिखाते हैं। तो दोस्तों इंतज़ार हुआ ख़त्म, हमारा भी और आपका भी। सामने हम देख रहे हैं टनल है, और थोड़ा सा वन वे है, हम इस साइड से आगे दूसरी साइड से भी जा सकते थे, थोड़ा सा मार से वहाँ से कट लेने में थोड़ी सी चूक हो गई। अगर आगे जाके हम वापस अपने फोर लाइन में आ जाएंगे अपनी साइड में। और ये देखिए सामने आपको दिख रही होगी जिसके ऊपर स्वास्तिक का निशान बना हुआ है, एकदम कलरफुल। ये टनल है जो कि ऑपरेशनल है, टनल नंबर 3 से फर्स्ट, और सेकंड टनल में भी काम चल रहा था, वो हम पीछे छोड़ा है, जिसका मैंने आपको शॉर्टकट दिखाया था। शॉर्टकट भी थोड़ा ख़तरनाक था, वो थोड़ा सा जिसको ड्राइविंग आती है वो उसी जब वो आइस कट से, और ये लोग हम लोग अपने टनल में एंट्री कर रहे हैं। और टनल जो है बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुंदर टनल बनाई है, और हम घुसे हैं टनल में। हमारे पीछे चिल्लर पार्टी बैठी है, इन लोगों ने पूरे पूरे टनल के मजे लिए, और अभी आपको बाहर चल के दिखाते हैं कैसी है टनल। ये पहली टनल से बाहर आए हैं, और मतलब बाहर आके देखिए कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का, मतलब मजा आ गया यार। मतलब क्या तो काम करा है यार यहाँ के इंजीनियर्स ने, और क्या ही काम करवाया सरकार ने, मजा आ गया एकदम। ये पहली टनल थी, ऐसी बहुत सारी टनल है यहाँ पे। ये टनल नंबर 3 थी, फर्स्ट और सेकंड किरतपुर वाली जो थी वो बंद है अभी कुछ टाइम के लिए, उसमें मेंटेनेंस का काम चल रहा है, और बाकी ये वाली ऑपरेशनल थी। इसमें माए हैं, अब इसके आगे और भी टनल है, वो भी दिखाएंगे आपको। दोस्तों ये हमारे इस टाइम आज के टूर की सेकंड टनल है, जो कि आप देख रहे हो कि 12-13 टनल ऑपरेशनल है इस टाइम, और उसमें से ये एक टनल है। ये शायद आगे वाले ने भी गाड़ी बंदी करी, ये भी वीडियो बनाएंगे, इसलिए इन्होंने गाड़ी बंदी करी है। और ये भाई कैसे गाड़ी चला रहे हैं पता नहीं चल रहा इनका। और ये देखिए सामने श्री हनुमान जी की, मतलब सुरक्षा के लिए पहली वीर हनुमान जी को इन्होंने टनल के बिल्कुल उस पर। अगर टनल में हल्ला नहीं मचाया तो क्या मचाया। ओ भाई तो गाड़ी सीख रही है, लेडीज गाड़ी चला रही, गाड़ी सीख रही है वो। और देखो क्या जबरदस्त टनल है, बहुत बढ़िया, इतना सुंदर व्यू, और भाई साहब फुल एंजॉय हो रहा है। फुल जो मनाली आने वाले बंदे उनकी तो, और ये हम निकले वहां, आ हा हा अति उत्तम, क्या आनंद आया है, मौज हो गई भाई, मौज हो गई। मनाली आओ और बार बार आओ भाई साहब, बहुत बढ़िया रास्ता बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भाई साहब अगर फर्स्ट टाइम भी चला रहा है, थोड़ा भी उसको आइडिया है मोड वोड पे काटने का, तो भाई साहब आ सकता है खूब मजे से। एकदम खुले रोड है, फोर लाइन रोड है, आप देख सकते हो ज्यादातर जगह पे फोर लाइन बना हुआ है। और अगर किरतपुर वाली जो टनल है, टनल नंबर 1, वो ऑपरेशनल हो जाती है तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह फोर लाइन रोड है, एकदम मस्त, एकदम खुला रोड है, आराम से तुम 50-60 की स्पीड आराम से मेंटेन कर सकते हो। CNG पे भी तक गाड़ी चल रही है, पेट्रोल पे मैंने लगाई भी नहीं है, और CNG पे हम खींच रहे हैं, और भाई साहब बढ़िया चल रही है गाड़ी। CNG पे चलो, फुल पैसा भी बचाओ, समय भी बचाओ,
और भाई साहब मौज लो, आगे भी दिखाएंगे और भी टनल है यहाँ पे। और भाई ये टनल नंबर जो थी, हम 4 नंबर टनल में घुसे थे और जस्ट इससे निकलते के साथ ही आपको 500 से 800 किलोमीटर के बाद टोल बना हुआ है। और देखते हैं ये टोल ऑपरेशनल है कि नहीं। ये सामने आप देख रहे हैं, ये टोल प्लाजा अभी तक रेट नहीं लिखे हैं यहाँ पे, यानी कि ये टोल भी फ्री है। तो भाई साहब इस जून में, ये जो सीजन चल रहा है जून का, इसमें भाई साहब यहाँ पे अभी फ्री में मजे लो, आओ घूमो फिरो मौज लो। इतना रास्ता अच्छा बना हुआ है, इतना बढ़िया, कोई अभी यहाँ पे टोल स्टार्ट नहीं हुआ है और आने वाले समय पर उद्घाटन हो जाएगा, टोल स्टार्ट हो जाएगा। अब ये नहीं पता टोल कितना होगा, इसके भी तो कोई जानकारी नहीं है, टेंडर इसका छूट चुका है, टेंडर डल चुके हैं। अभी आने वाले किसी भी समय में यहाँ पे आपको टोल भरना पड़ेगा, मगर अभी फिलहाल फ्री में मजे लो भैया, फ्री में। और भाई साहब ये हम लोग पहुंच चुके हैं 5वीं टनल में, और अभी दिखाते हैं वहां का नजारा, देखो कितना बढ़िया बना हुआ। और यहाँ का जो कलर है वो भाई साहब बिल्कुल स्काई ब्लू कलर की है, और ये टनल थोड़ा पहले से ऑपरेशनल है तो यहाँ का थोड़ा सा जो है कलर डल हो गया है। और आगे जो है वन साइड का रखा है यहाँ से एंट्री, थोड़ी देर पहले वो आएंगे उसके बाद हमारा नंबर आएगा। तो वैसे वन बाय वन यहाँ पे गाड़ियों को निकाला जाता है, अभी हमारा नंबर चल गया है, कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है आज भाई साहब। जैसा कि मुझे लगा था कि संडे का दिन है तो ट्रैफिक ज़्यादा होगा, पर कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई अभी तक मैंने ऐसा देखा नहीं यहाँ पे ट्रैफिक। और हम टनल के अंदर आ गए और यहाँ से ये हम अपनी टू लाइन में वापस चले गए हैं और हम वहाँ से रोक देंगे और ये सामने से इनको निकालेंगे। और भाई साहब ये टनल से हम बाहर निकलने वाले हैं, ये इस रूट की 5वीं टनल है जिसमें 2 टनल अभी ऑपरेशनल नहीं है, और ये 3री टनल हम लोगों ने क्रॉस करी है। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया टनल बनी हुई है, एकदम बहुत ही मतलब इतनी अच्छी टनल इन्होंने बनाई है, जो टेक्नोलॉजी भैया बस मजा ही आ गया एकदम। इंजीनियर्स का सल्यूट है, जिस इंजीनियर्स ने यहाँ पे काम किया है उनको भी हमारा सल्यूट है कि उन लोगों ने हमारा जो सफर है मनाली तक का वो इतना खूबसूरत बना दिया है और इतना अच्छा बना दिया है। तो हैट्स ऑफ टू ऑल इंजीनियर्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आ गया भाई। गाइस तो हमने अभी ऑर्डर लिया है मंडी और सुंदर नगर के बीच में, और क्योंकि काफ़ी थक गए थे, ये होटल स्टाफ से हमारे भाई काफ़ी थक गए थे तो इसलिए हमने सोचा अभी यहाँ ले लेते, कल हम तीर्थ निकलेंगे। और इस होटल का नाम है होटल कदम कैस्टल, और यहाँ पे हमें 2000 रुपये में डिसेंट रूम पड़ गया है। मैं आपको थोड़ा रूम टूर भी करा देता हूँ। ये रूम है जिसमें LED है, ये हमारा लगेज है, भी हम लगाएंगे इसको कैसे लगाना है, ये बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और पूरा जो रूम है इसमें पूरे में वॉलपेपर 3D वॉलपेपर हुआ हुआ है, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए सामने मिरर है, आप ड्रेसिंग टेबल भी बोल सकते हो, और साथ में वॉशरूम है, वॉशरूम में भी कोई गया हुआ है, वॉशरूम भी अच्छा खासा है, स्पेशियस वॉशरूम है। तो ये हमारा होटल था, ये मैं 2000 रुपीज़ में एसी रूम वाला पड़ा है, 1500 रुपये में विदाउट एसी था। तो आज रात को हम यहीं स्टे करेंगे और कल सुबह निकलेंगे तीर्थन के लिए, और उसके बाद कल मिलते हैं आपसे तीर्थन जाते हुए।